तो हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए वीडियो में। और आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन के बारे में, जिससे आप 15,000 के अंदर में बाइक कर पाओगे इन 2024। तो देखो, अभी के समय ज्यादातर लोग स्मार्टफोन में ही मूवीज या वेब सीरीज को एंजॉय करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि मल्टीमीडिया वॉच करने का असली मजा तो एमोलेड डिस्प्ले में ही आता है। और मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 15,000 के अंदर में आने वाले 5 सबसे अच्छे डिस्प्ले वाले फोन शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जहाँ पे आपको सारे फोन के अंदर में एमोलेड डिस्प्ले तो मिल ही जाएगा और उसके अलावा पावरफुल गेमिंग चिपसेट और 108 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा भी मिलने वाला है। और उसके साथ 8GB तक की रैम और 2 दिन तक चलने वाली 6000mAh की मॉन्स्टर बैटरी भी मिलने वाली है। तो हाँ, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5th नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। और देखो, ये फोन उनके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है जिनका बजट 15,000 से कम है और उनको एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन बाय करना है, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और साथ में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग भी मिलने वाली है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो एक यूनोच वाली डिस्प्ले है जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और उसके अलावा 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और बाकी इसमें आपको सिंगल स्पीकर और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले तो रियली में काफी अच्छा है, बट आपको इसके यूनोच के साथ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। और मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको बड़े आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल जाएगा, बट बॉक्स में आपको एडाप्टर नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और बाय द वे, ये फोन 25W के टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे आए तो इसमें आपको MST6100 का 5G चिपसेट दिया गया है, विच इज बेस्ड ऑन 6 नैनोमीटर और 4 लैक्स के अराउंड इसका एंथू स्कोर कर जाता है। तो देखो, एक डिसेंट चिपसेट है, जो काफी बुरी बात है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 4 साल का मेजर अपडेट मिलने वाला है और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और उसके साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है। और सामने की तरफ आपको यू नॉच में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और देखो, ये सैमसंग का फोन है तो इसमें आपको कैमरा तो काफी अच्छा मिल जाता है। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 4128 का प्राइस 13,000 पड़ता है और इसके 6128 का प्राइस 14,500 पड़ता है। तो देखो, यदि आपको 13-14 हजार के अंदर में कोई सैमसंग का फोन बाय करना है जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाए, तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली बात करते हैं और 4th नंबर पे आता है रियलमी नार्जो 75G। और देखो, इसका डिस्प्ले और डिजाइन रियली में काफी इम्प्रेसिव है। और उसके अलावा इसमें आपको चिपसेट और कैमरा भी काफी अच्छा दिया गया है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 240Hz का TSR और 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। और बाकी इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और डुबल स्पीकर भी दिया गया है। तो देखो, मुझे इसका डिस्प्ले रियली में काफी अच्छा लगा, जिसपे आप मल्टीमीडिया को काफी अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। और बात करें इसके पावर हाउस की, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो सपोर्ट करती है 45W के फास्ट चार्जिंग को, जो इस डिवाइस को फुल चार्ज करने में ऑलमोस्ट 1 आवर का समय ले लेगा, बट एक बार फुल चार्ज होने पे आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप भी मिलने वाला है। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे, इसमें आपको डायमेंसिटी 7050 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिससे आप 15-16 हजार के प्राइस पॉइंट के अंतर में सबसे तगड़ा चिपसेट मान सकते हो। और आप इसके ऊपर पबजी को 60fps पे हाई सेटिंग के ऊपर बड़े आराम से रन कर पाओगे और 6 लाख के आसपास इसका एंथू स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है और वेपर लिक्विड कूलिंग सिस्टम और IP54 की रेटिंग भी दी गई है। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आई तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसमें सैमसंग J1 का कैमरा सेंसर लगा है और सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है। और सामने की तरफ आपको पंच होल
मॉडल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो इसका डेप्थ कैमरा तो रियली में उतना काम का नहीं है, बट आप इसके मेन कैमरा और इसके सेल्फी से डेलाइट में अच्छी डिटेलिंग के साथ काफी अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। और आप इसके बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 628 का प्राइस वैसे तो 16,000 पड़ता है, बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को अमेजोन से 15,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। और देखो 15-16 हजार के प्राइस पॉइंट के अंदर में ये फोन आपको बेस्ट डिस्प्ले के साथ साथ बेस्ट स्पेसिफिकेशन भी ऑफर करता है। तो हाँ चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर पे आता है Vivo T2X 5G। और देखो बहुत से लोगों को लगेगा कि ये फोन काफी पुराना हो चुका है, बट पुराना होने के बावजूद भी ये फोन आपको अपने प्राइसिंग पे आपको बेस्ट डिजाइन डिस्प्ले और कैमरा ऑफर करता है। और इसमें आपको 6.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और बाकी इसमें आपको 360 हर्ट्ज का TSR और 1300 nits की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। तो देखो इसके डिस्प्ले में यू नॉच का होना आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है, बट इसका डिस्प्ले आपको जरा सा भी निराश नहीं करेगा। और काफी अच्छी बात है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो सपोर्ट करती है 44 वाट के फास्ट चार्जिंग को। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G के 6 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 4 लाख के आसपास इसका एंटीटू स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और इसमें सैमसंग GW3D का कैमरा सेंसर भी लगा है और सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है। और आगे की तरफ आपको यू नॉच कटआउट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और देखो नो डाउट इसका कैमरा रियली में काफी अच्छा काम करता है और इसलिए फ्लिपकार्ट के ऊपर इसके कैमरा को काफी अच्छी रेटिंग भी दी गई है। बट आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे ही वीडियो शूट कर पाओगे। और लास्ट में बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 628 का प्राइस वैसे तो 16,000 पड़ता है, बट जैसा कि बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 15,000 पे बाय कर पाओगे। और उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं और सेकंड नंबर पे आता है पोको X6 न्यू 5G। और इसमें आपको अमेजिंग डिजाइन और डिस्प्ले के साथ साथ 8GB की रैम और 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.6 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और उसके अलावा 1000 nits की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है एंड G5 की प्रोटेक्शन और डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले रियली में काफी इंप्रेसिव है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फोन 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको जेटिक डायमेंसिटी 6080 का 5G चिपसेट दिया गया, जिसका एंटीटू स्कोर 4,40,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। और ये प्रोसेसर 6nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये प्रोसेसर आपको कैजुअल गेमिंग बड़े आराम से करवा देगा। और ये डिवाइस एंड्रॉयड 13 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.75 और आप इससे मैक्सिमम 3x तक जूम भी कर पाओगे। और सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। और आगे की तरफ आपको सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी मिल जाती है। और इसमें आपको ब्यूटी मोड, नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन, पैनोरामा जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 8128 का प्राइस 15,000 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो
तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं और फर्स्ट नंबर पे आता है 15-16 हज़ार के अंतर में रियलमी का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रियलमी P1 5G। और इसके बैक साइड में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसमें सैमसंग J1 का कैमरा सेंसर भी लगा है और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है जो टोटली अनयूजेबल है। और आगे की तरफ आपको सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर दी गई है और आप इससे मैक्सिमम 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। तो देखो, मैं इसके कैमरा को एकदम ओवर द टॉप नहीं बोलूंगा, बट आप इसके कैमरा से दिन के समय काफी अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे इसमें आपको डायमेंसिटी 7050 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 9 बैंड्स को सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास इसका एंटूटू स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है और आप इसके ऊपर किसी भी गेम लाइक PUBG और COD को हाई सेटिंग के ऊपर बड़े आराम से रन कर पाओगे। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और बात करें इसके पावर हाउस की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और ये फोन 45 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो इस डिवाइस को ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर में फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके डिस्प्ले पे तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट। और बाकी इसमें आपको 240Hz का TSR और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है जो काफी फास्ट काम करता है। और आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इन्हेंस करने के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके भी 628 का प्राइस 16,000 पड़ता है, बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से 15,000 के अंदर में बाय कर पाओगे।